डॉक्टर कुशवाहा, अगर मैं किसी को बेईमान कह रहा हूं और पूरी स्पष्टता से, जिम्मेदारी से दलाल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? आज मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे गलत साबित कर दीजिए, कि हाँ आप साबित कीजिए कि हाँ नहीं नहीं आशुतोष, आप बेईमान गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दलाल गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भ्रष्ट गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी तो हमारे सबसे इज्जतदार, सबसे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने मीडिया की पताका अपने हाथ में ले रखा है। इनका तो हम मान सम्मान करें, इनका तो चौक चौराहे पर गारलैंडिंग करें। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? आज आप, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई गलत साबित कर दे। आशुतोष जी, पहले तो, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत दिन से जो मेरी इच्छा थी कि मीडिया के ऊपर कभी बोलें, वो आज आपने पूरी कर दी, जिसका मुझे बहुत दिन से इंतजार था। और मैं एक दफे तो मेरे शक होने लग गया था कि कहीं आप इसके ऊपर क्यों बच रहे हैं, इतने टाइम से हमसे बोलते रहे कि आप खड़े रहेंगे कि नहीं इस लड़ाई में, आप भाग तो नहीं जाएंगे, हमसे पूछते थे। तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मीडिया से ही इतना क्यों बच के जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक ओपिनियन शेप करने में। अब जब ये बात चली कि आखिर आपने तो शुरुआत में जब इस प्रोग्राम के उनको काफी हद तक 99% लोगों को आपने क्लीन चिट दे दी, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। रीजन मीन सर, लोगों को पता है गेम, तो गेम पता है। अगर सब रोजी रेटे के लिए अगर वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं तो फिर तो सबकी मजबूरी, हम लोग यहाँ बैठे हम सबकी मजबूरी है, रोजी रोटी नहीं है क्या? तो रोजी रोटी से ऊपर उठ करके एक पब्लिक गुड के लिए, एक आम जनता के लिए नहीं सोचना चाहिए क्या? सिर्फ अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचेंगे। तो आपने जो क्लीन चिट दी है, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूं, नंबर वन। तो दूसरी बात यह है, क्योंकि इसके बारे में बात हो चुकी है, हम लोग और भी जो मीडिया के जो लोग थे उनसे बात कर चुके हैं। आपको याद होगा एक वाकया था News18 वाला, आपको याद होगा। हमने क्लीन चिट किसको दिया? आपने अपना वीडियो चला के देखिए, आपने बोला 99% लोग जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है, इसके साथ एग्री नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है। अब वो मजबूरी नहीं तो क्लीन चिट ही होगी। पत्रकारों की मैं बात कह रहा हूँ, पत्रकारों की बात, एग्री नहीं थे, मजबूरी बस नौकरी करते थे। ऐसे लोग होते हैं जो प्रकाश पोहरे जैसे लोग होते हैं जो अपने पत्रकार को, अपने रिपोर्टर को कहते हैं कि ये खबर देखिए बात ऐसी है कि पत्रकार होना किसी भी नौकरी से अलग है, अलग है, दोनों चीजें। आप एक चीज के साथ नहीं तोल सकते, एक काम करने वाला आईटी इंडस्ट्री में और एक पत्रकार में फर्क है। उसने चूज किया पत्रकारिता, उसने कोई अचानक थोप नहीं दिया गया उसके ऊपर। और पत्रकारिता क्या है? जर्नलिज्म जो है, प्रेस जो है, वो फोर्थ स्टेट माना जाता है इस डेमोक्रेसी का। फोर्थ स्टेट यानी कि चौथा पिलर है, यानी एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशियरी, और चौथा प्रेस है। अगर एक चौथा खंबा भी तीसरे खंबे के साथ जुड़ गया तो फिर हम लोग कहां जाएंगे? चारों खंबे अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हाथी बन गया ना, फिर हम सब दब जाएंगे उसके नीचे। तो ये जो होता है प्रेस, ये पीपुल्स वॉइस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट गवर्नमेंट सेज। गवर्नमेंट की वॉइस के लिए वहां पर राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, डीडी है। आप लोग नहीं है गवर्नमेंट की वॉइस, सॉरी, यू आर पीपल्स वॉइस एंड यू शुड बी टॉकिंग अबाउट पीपल्स इश्यूज। तो ये जो है, किसी भी तरह 99% व्हाटएवर आई सेड द परसेंटेज, दे आर आल्सो हैंड इन ग्लोव विद ऑल, एब्सोल्युटली आई होल्ड देम अकाउंटेबल, ईच वन ऑफ देम अकाउंटेबल हु सपोर्टेड दैट नैरेटिव। हमारे ये एक भी चैनल ने, एक भी किसी बंदे ने, मुझे याद है अमिताभ बनर्जी सर एक चैनल पे गए थे एक बार, उन्हें इनवाइट किया गया था, दोबारा कभी इनविटेशन उन्हें मिला नहीं, वो ऑब्वियस था रिपब्लिक टीवी पर। और मैं बताऊं, मैं इन 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 पत्रकारों में जो जर्नलिस्ट हैं, मैं कईयों का बहुत बड़ा फैन भी रहा हूं, मैं रहा हूं, अब नहीं हूं। मैं ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जिसमें आपके अर्णब गोस्वामी साहब आते हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं और उनके काफी अच्छे कई इश्यूज पे करते हैं, बट इस पैंडेमिक में उन्होंने जो रोल उठाया है कि बूस्टर जल्दी लगाना है, क्यों नहीं लगा रहे हैं, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर वो हो और वो डॉक्टर हो और वो प्रैक्टिसिंग वैक्सीनोलॉजिस्ट हो। इनफैक्ट ही वॉज सेलिंग बूस्टर,
एग्जैक्टली तो सेल्समैन ऑफ आधार पुनावा, तो ये जो है अंधभक्ति करना, या एक तरह से आपने जो गवर्नमेंट ने आपको दे दिया नैरेटिव, उसको आपने दूसरे वॉइस को कम से कम मौका तो दीजिए, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे थे बोलने के लिए कि आप जो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक दो लोग थे डॉक्टर्स जिन्होंने एक्चुअली काफी रैशनल पॉइंट रखे थे, बनर्जी सर को याद होगा, तो उसको दबा दिया गया वॉइस को, मतलब जिस तरह से कि वो मतलब जो है आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो वैक्सीन एक ऐसी चीज है जब तक इसकी सेफ्टी बियॉन्ड एनी डाउट, सेफ्टी बियॉन्ड एनी डाउट, एफिकेसी छोड़ दीजिए, जीरो एफिकेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेफ्टी शुड बी बियॉन्ड एनी डाउट, मींस इट शुड नेवर कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट हु इज अदरवाइज हेल एंड हार्टी। वो जाकर के वैक्सीन ले रहा है इस विश्वास से कि उसको उससे नुकसान नहीं होने वाला, और ये बेसिक प्रिंसिपल है मेडिसिन का, प्राइमम नॉन नोसेरे, दैट मींस फर्स्ट डू नो हार्म। ये पूरा वॉयलेट हुआ इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, जो तकलीफ थी हम लोगों को, इसी कारण से हम लोग इस मुहिम से जुड़े। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठ करके और जो है किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का, लेकिन हमने देखा कि ये पॉलिसीज इतनी खतरनाक थी, इसमें बच्चों की डेथ्स हो रही थी, और वो बच्चों की डेथ्स हमने देखी हैं, और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये आपके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोगों को उन्होंने कोइंसिडेंटल डिक्लेयर कर देते हैं। जो डेथ्स हैं आप अगर मिनिस्ट्री की साइट पे देखेंगे तो 371 डेथ्स जो है उसमें से 77% डेथ्स को कोइंसिडेंटल डिक्लेयर किया गया, जबकि हॉस्पिटलाइजेशन वैक्सीन के द्वारा जो होने वाला हॉस्पिटलाइजेशन उसमें सिर्फ 30% हॉस्पिटलाइजेशन को कोइंसिडेंटल दिया गया, बाकी सब वैक्सीन इंड्यूस्ड। तो यानी अगर वैक्सीन से ज्यादा 30% तक हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा तो डेथ का इतना रेशियो इतना डिफर कैसे कर सकता है। खैर वो अलग बात है कि कोइंसिडेंटल की क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, हम आज इस टॉपिक पे ही रहते हैं। तो मैं आपके इसके साथ बिल्कुल भी एग्रीमेंट में नहीं हूं कि किसी को क्लीन चिट दी जा सकती है इस पैंडेमिक में। प्रेस का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का, तो एक पब्लिक का जो मैंने इस्तेमाल किया बेईमान दलाल भ्रष्ट, वो मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि सबके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपको मालूम है। और दलाल क्या होता है, सिंपल सी बात है, पैसे लेकर के किसी का काम फैसिलिटेट करना, वही दलाल होता है आई थिंक, मेरे क्या जहां तक मुझे समझ में। तो अगर आप किसी से पैसा लेकर के और उसका नैरेटिव चला रहे हैं तो दलाली हो गई ना, उसमें कौन कौन सी कोई दुविधा है ही नहीं इस बात को कहने में, करप्ट है ही, आपको पता ही लग गया है कि भाई अगर पैसे लेके आप काम कर रहे हो किसी चीज के लिए।